विदिशा में आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के साथ ही परेड भी होगी। स्टेडियम में परेड में शामिल होने वाले कई दल के सदस्यों को परेड की रिहर्सल कराने के साथ ही कमियां बताकर उनको दूर कराया गया। परेड में जिला मुख्य बल, सशस्त्र बल, होम गार्ड, NCC, स्काउट एंड गाइड, बैंड दल, शौर्य दल के साथ ही स्कूलों के दल भी शामिल हुए। दलों को ध्वज सलामी से लेकर मुख्य अतिथि के परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, हर्ष फायर की रिहर्सल कराई गई। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान परेड के साथ ही स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन करेंगे। आज जैसे कि परंपरा है, 15 अगस्त के पहले दिन का गैप रख के 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाता है। आज इसी ड्रेस रिहर्सल को टाइमिंग से मैच करके हमने ऑर्गेनाइज किया है। इस ड्रेस रिहर्सल के दौरान हमारे 11 प्लेटून शामिल रहे हैं, लगभग 191 ऑन एवरेज, एंड अगर सब स्टाफ और परेड कमांड्स को मिलाया जाए तो 200 से अधिक लोगों ने परेड में हिस्सा लिया है। इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बच्चों की टोलियाँ भी शामिल हुई हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये परेड जो है हमारे पुलिस बल और हमारे जो भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनकी डिसिप्लिन, उनके हार्डवर्क और उनका परेड के लिए जो एक्साइटमेंट और जोश है उसको दिखाने के लिए ये एक प्रतीक है। इसलिए हम चाहते हैं परेड अच्छे से अच्छी हो और विदिशा जिले की परेड की चर्चा पूरी